इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है। 1 जनवरी 1941 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे असरानी ने एक्टिंग की ABCD पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीखी। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। आज हम उनकी लाइफ से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहे हैं। असरानी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि उनके परिजन उन्हें सिनेमा लाइन में नहीं जाने देना चाहते थे। पहली बार जब उन्होंने एक सिनेमा के पर्दे पर देख, वे उन्हें मुंबई से उठाकर वापस गुरदासपुर ले गए थे। तो चलिए आज इनके गांव के बारे में जानते हैं। घर से भागकर मुंबई आए थे असरानी। एक इंटरव्यू के दौरान असरानी ने बताया था कि फिल्मों के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। वह अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाया करते थे। ये बात उनके घर वालों को पसंद नहीं थी और उन्होंने उनके सिनेमा देखने पर पाबंदियाँ लगा दी। उनके पिता चाहते थे कि वह बड़े होकर सरकारी नौकरी करे। उम्र बढ़ने के साथ फिल्मों के प्रति उनका लगाव जुनून में बदल गया और एक दिन असरानी घर में बिना किसी को कुछ बताए गुरदासपुर से भाग मुंबई आ गई। ऐसे मिला पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला। मुंबई आने के बाद फिल्म लाइन में काम करने के लिए उन्होंने महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहां उन्हें किसी ने बताया कि फिल्मों में एंट्री के लिए उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करना पड़ेगा। 1960 में पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। पहली बैच के लिए एक्टिंग कोर्स का विज्ञापन अखबारों में आया। इसे देख असरानी ने आवेदन किया। वे चुन लिए गई। 1964 में उन्होंने एक्टिंग का डिप्लोमा पूरा किया और फिर शुरू हुई फिल्मों के साथ काम ढूंढने का काम। जब मुंबई से ले गए थे घर वाले, पुणे से डिप्लोमा कर मुंबई लौटे असरानी को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनको पहली बार पहचान मिली फिल्म सीमा के एक गाने से। गुरदासपुर में जब उनके घर वालों ने इस गाने में उन्हें देखा तो वह सीधे मुंबई आए और असरानी को वापस अपने साथ ले गई। गुरदासपुर में कुछ दिन रहने के बाद वह किसी तरह घर वालों को मना कर मुंबई लौट आई। FTII में टीचर से एक्टिंग लाइन तक का सफर। मुंबई में बहुत दिनों तक काम ढूंढने के बाद भी उन्हें रोल नहीं मिला। इसके बाद वह वापस पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले आए और FTII में टीचर बन गए। इस दौरान वे अनेक फिल्म निर्माताओं के संपर्क में आए। बड़ा ब्रेक उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की साल 1969 में आई फिल्म सत्यकाम के दौरान मिला, लेकिन वह लाइमलाइट में आए 1971 में आई फिल्म गुड्डी से। फिल्म में उन्हें कॉमिक रोल मिला, जिसे दर्शकों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि असरानी पर कॉमेडियन का ठप्पा भी लगा दिया। असरानी की चर्चित फिल्में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार का असरानी के जीवन में अहम योगदान रहा। इन दो फिल्मकारों की कई फिल्मों में असरानी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए। पिया का घर, मेरे अपने, शोर, सीता और गीता, परिचय, बावर्ची, नमक हराम, अचानक, अनहोनी जैसी फिल्मों के जरिए असरानी दर्शकों में लोकप्रिय हो गए। इन फिल्मों में कहने को तो वे चर्चित कलाकार थे, मगर हास्य का पुट अधिक होने से दर्शकों ने उन्हें कॉमेडियन समझा। 1972 में आई फिल्म कोशिश और 44 में असरानी ने नेगेटिव किरदार भी निभाया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला डायलॉग पहचान बना अमिताभ की कई फिल्मों में। उन्होंने हीरो की बराबरी वाले रोल निभाए हैं, जैसे अभिमान 1973 में चंदर और चुपके चुपके 1975 में प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का छोटी सी बात 1975 में उनके द्वारा निभाया गया नागेश शास्त्री का किरदार किसी को हीरो से कम नहीं लगा। शोले 1975 में एक संवाद बोलकर असरानी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता पाई। अंग्रेजों के जमाने की जिलर वाला ये डायलॉग जब असरानी की पहचान बन चुका था। फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्मों में अभिनय के साथ साथ असरानी ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने 1977 नाम की एक सेमी बायोग्राफिकल फिल्म बनाई। इसमें उन्होंने घर से भागकर ग्लैमर वर्ल्ड की ओर आकर्षित होने वाले युवाओं की कहानी को दिखाया गया था। ये कहानी उनके अपने जीवन से इंस्पायर थी, हालांकि दर्शकों ने इसे नापसंद कर दिया। इसके बावजूद असरानी ने प्रयास जारी रखा और सलाम मेम साहब 1979, हम नहीं सुंदरेंगे 1980, दिल ही तो है 1993 तथा उड़ान 1997 जैसी फिल्में बनाई। फिल्म में संस्थान से नहीं टूटा नाता। 80 के दशक में असरानी गुजराती सिनेमा की ओर मुड़ गई और वहां भी सफलता पाई। असरानी ने कई गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें बसु चटर्जी, शक्ति सामंत, गुलजार, ऋषिकेश मुखर्जी, एलवी प्रसाद जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। असरानी आज भी पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में छात्रों को पढ़ाने आते हैं और उनके साथ अपने जीवन के खट्टे मीठे पलों को शेयर करते हैं। लेकिन अगर उनके गांव के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें, इनका जन्म गुरदासपुर में हुआ था। पंजाब देश का एक बेहद ही खूबसूरत और प्रमुख राज्य है।
इस राज्य में स्थित लगभग हर शहर किसी न किसी खास वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए या फिर चंडीगढ़ अपनी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी फेमस है। पंजाब का गुरदासपुर भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है। रावी और व्यास नदी के बीच में मौजूद गुरदासपुर पवित्र गुरुद्वारा और मंदिरों के लिए पूरे पंजाब में लोकप्रिय शहर माना जाता है। यह खूबसूरत शहर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा के पास में है। गुरदासपुर के आसपास स्थित किसी बेहतरीन और लोकप्रिय हिल स्टेशन का नाम लिया जाता है तो डलहौजी उनमें से एक है। हिमालय की हसीन वादियों में मौजूद डलहौजी किसी जन्नत से कम नहीं है। डलहौजी में घूमना लगभग हर किसी का सपना होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, झरने, देवदार के पेड़ और हरियाली इस जगह की खूबसूरत में चार चांद लगाने का काम करते हैं। डलहौजी में मौजूद खाजियर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ स्थित सतधारा झरना, पंचपुला, बकरोटा हिल्स, सच पास और रॉक गार्डन जैसे बेहतरीन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। समुद्र तल से करीब 1000 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर मौजूद धर्मशाला बेहद ही खूबसूरत और चर्चित हिल स्टेशन में है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।